जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ, मैं हूँ रूहानी। अभी मैं तालाब तिल्लो में मौजूद हूँ और यहाँ का मंजर आपको दिखाऊं तो कितना ज्यादा दर्दनाक मंजर जो है आपको तस्वीरों में नजर आएगा। यहाँ पर अगर सामने आपको जेसीबी मशीन नजर आएगी, कारण ये है कि यहाँ पर सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे बताया जा रहा है कि आग लग जाती है और ये एक बिल्डिंग होती है, नीचे जो है आरा होता है, आरा लकड़ी का आरा यहाँ पर चलाया जाता है और यहाँ पर जो है आग लग जाती है, आग लगने की घटना होती है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर सूचना मिलती है फायर ब्रिगेड को, तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जो है वो कोशिश की जाती है। हालांकि अभी भी आपको हम तस्वीरों में दिखाएं तो युद्ध स्तर पर यहाँ पर राहत व बचाव कार्य जो है यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। आग का मंजर कितना भयानक है आप तस्वीरों से ही अंदेशा लगा सकते हैं। अभी भी यहाँ पर धुआं निकल रहा है, जेसीबी मशीन यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर राहत व बचाव कार्य में पूरा सहयोग दे रही है। और आपको बता दें ये पूरी बिल्डिंग जो है मलबा जो है उसमें तब्दील हो चुकी है। अभी भी यहाँ पर कहा जा रहा है 2 से 3 लोग जो है यहाँ पर फंसे हुए हैं। अभी भी यहाँ पर आग का मंजर जो है वो नजर आ रहा है, अभी भी धुआं निकल रहा है, आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। राहत व बचाव कार्य जो है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे जब अंधेरा होता है उस समय अचानक कहा जा रहा है कि आग लगती है। हालांकि आग का क्या कारण था, कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन अभी भी 2 से 3 लोगों के बीच में फंसे होने का अंदेशा जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। जिनका ये घर था जहाँ पर आग लगी है और आपको मंजर दिखाया है, तबाही का मंजर हमारे साथ, ऐसे क्या हुआ था और कहाँ थे आप उस वक्त? हम घर में सोए थे। अच्छा। मेरी मिसी ने उठाया, वो बोलने लगे धुआं है अंदर। जब मैं उठा देखा धुआं धुआं था, फिर अपने कमरे का दरवाजा खोला, देखा नीचे आग लगी थी, आग लगी थी। फिर मैंने इनको बाहर निकाला, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। तो फिर मैंने फायर ब्रिगेड को ही फ़ोन किया, अपने पहले भाई को फ़ोन किया, ये आगे उसी वक्त, फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, वो भी कोई 20-25 मिनट लग ही गए उनको आने के। तो उसके बाद अभी कितना नुकसान हुआ, अभी भी कहा जा रहा है हो गया ये नुकसान, देखो आप 2 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। तो कोई जो रॉ मटेरियल था टिम्बर, ये कोई 30-40 लाख रुपए की ये टिम्बर भी थी, और मशीनरी 3-4 लाख की मशीनरी, 3 लाख की मशीनरी लगा लो 2.5 करोड़ के लगभग, इस वक्त हम जीरो हो गए, टोटल लॉस। चलिए, साफ तौर पर आंखों में आंसू है और दर्दनाक मंजर खुद से देखा है इन्होंने, इनका ये घर था। तो किस तरह से ये राहत व बचाव कार्य चल रहा है पूरी जानकारी के लिए हमारे सर मौजूद है। सर, क्या हुआ था और अभी भी कहा जा रहा है कि एक डेड बॉडी निकाली गई? नहीं, अभी 2 हमारे ट्रैप्ड है अंदर फायर फाइटर्स, एक की बॉडी हमने निकाली, 2 सीरियस है उधर। अब ये पता नहीं जिसको हमने मेडिकल कॉलेज भेजा है विमल रहना, वो उसकी स्थिति क्या है उसका पता नहीं। 2 हमारे हैं रतन चंद जी और मोहम्मद असलम, अंदर ट्रैप्ड है। बाकी 2 उससे पहले हमने निकाले हैं, एक सतपाल जी और एक पूरन सिंह, वो सीरियस है मगर ठीक है। क्या हुआ, क्या था आग? कुछ नहीं, आग हमने तकरीबन हमने 90% आग बुझाया था। उसके बाद इस बिल्डिंग में कोलैप्स हो गई, ये बिल्डिंग इसके पिलर गिर गए, ये एब्रप्टली नीचे गिर गए और हमारे फायर फाइटर अंदर। सर, आग लगी थी? आग 4:30 सुबह लगी थी। 4:30, तो यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम कितने बजे? हम तो टाइम पर, हम तो मुठी फायर स्टेशन, हम तो विद इन 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए। तो आग तो हमने बुझाई थी यहाँ इस अंदर। अभी कितने लोग, अभी भी आग अंगारे दिख रहे हैं अंदर से, फ्लेम्स तो दिखे, ये कोलैप्स हो गया। हमने सेग्रीगेशन के लिए इसका जेसीबी मंगवाया, ये ठीक करेगा। बेसिकली हमारा ज्यादा जो पॉइंट है वो अंदर, हमारे 2 फायर फाइटर्स अभी अंदर हैं, उनके अभी 2 फायर फाइटर्स हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं वो भी सब मौजूद हैं, अधिकारीगण मौजूद हैं, आपको तस्वीरों में डिवकॉम नजर आएंगे। अभी यहाँ पर जो है आए हैं, यहाँ पर देखने आए हैं, यहाँ पर ये देखने आए किस तरह से राहत व बचाव कार्य जो है वो चल रहा है। और आज बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, बहुत ही दर्दनाक हादसा हो सुबह हुआ, और लगभग सुबह अर्ली मॉर्निंग ये बिल्डिंग जो थी 3 मंजिला उसमें आग लगी और कारण उसकी वजूहत जानी जा रही है। और उसके कारण जैसे ही रेस्क्यू का काम चल रहा था, लगभग 4 लोग जो है उनको निकाला, हमारे बहादुर जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने इनको बाहर निकाला और इनको फिर अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इसी बीच जब ये काम चल रहा था तो हमारे जो फायर सेफ्टी के लोग हैं, फायर कंट्रोल जो के लोग हैं, उनमें से 3 लोग जो हैं वो ट्रैप हो गए, क्योंकि बिल्डिंग एकदम कोलैप्स कर गई और उसमें एक जो हमारे फायर फाइटर की शहादत हो गई और 2 लोग अभी ट्रैप्ड हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें
पूरा इंतज़ामी हमारे ADC और ASP मैडम और साथ में उनकी पुलिस के SDPO पूरा ऑपरेशन खुद सुपरवाइज़ कर रहे हैं सुबह से। आप लोग भी यहीं हैं, बाकी भी शहरदार जो हैं वो मदद कर रहे हैं। NDRF और SDRF की टीम भी इसमें लगी हुई है पूरे ऑपरेशन साइट पर, और अभी दो लोग अंदर हैं। हम दुआ करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो लोग सुरक्षित बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी दो लोग अंदर हैं, उसी के बारे में भी। सर, आपके ऑफिसर से भी यहाँ बात हुई है फायर ब्रिगेड के, बाकी अभी वो लोग जो अंदर हैं जिंदा हैं उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है? देखिए, अभी कोई ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में हम उनको ऑपरेशन अपना करने दे रहे हैं। हम लोग साइट पे डायरेक्टली नहीं हैं, आप देख रहे हैं कोई 20-50 मीटर दूर है, तो इसके बारे में अभी ऑपरेशन को चलने के बाद ही पता चलेगा। पहले हमारी कोशिश है कि उन फायर फाइटर्स को हम लोग सुरक्षित बाहर निकालें ताकि उसके बारे में बात करें, लेकिन पूरी जो टीम है, मल्टीपल टीम्स हैं वो उसमें लगी हुई। NDRF सफिशिएंट मैन पावर है सर यहाँ पर? बिल्कुल सफिशिएंट मैन पावर है, बहुत ज़्यादा है, जितने भी हमारे लोग हैं। बट जो डिफ़िकल्टी, एक तो रोड है मगर ट्रैफिक है, लेकिन वो सारा एरिया सैनिटाइज और कॉर्डन कर दिया गया है। सफिशिएंट मैन पावर इज़ अवेलेबल, लेकिन 3 मंजिला बिल्डिंग थी, पूरा रबल जो है वो बन चुका है, बिल्डिंग कोलैप्स कर दी गई है, और ऑपरेशन भी बड़ी डेलिकेसी के साथ डेलिकेटली करना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन में लोग हैं अंदर ट्रैप, तो उनको बड़ा क्लिनिकली हम लोगों को एंट्री करनी पड़ती है और उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, प्रोबेबल रीज़न फायर थी, और उसके कारण जब आग लगी तो हो सकता है कि बिल्डिंग भी थोड़ी उस तरह से पुरानी बिल्डिंग थी, तो आग लगे कारण जो उसकी अपनी स्ट्रेंथ है वो लूज़ कर गई होगी, और जैसे ही रेस्क्यू हुआ, सिविलियंस निकाले गए जो लोग इसके अंदर इनहेबिटेंट से जो रिजाइड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे फायर टीम गई है तो एकदम पूरी की पूरी बिल्डिंग 3 मंजिलों कोलैप्स कर गई है। आसपास के घरों को खाली कराया गया है क्या? वो सारा जो है वो मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया है, और आसपास में एक बात तो ये भी मैं दोबारा इनकी जो हमारे लोगों ने काम किया, फायर इमरजेंसी सर्विसेज के लोगों ने एक तो अपनी शहादत दी और अपनी बहादुरी दिखाई, और साथ साथ में आगे पीछे भी आग को फैलने नहीं दिया है, जबकि लोकेलिटी आप देख रहे हैं ये कंजेस्टेड एरिया है, इनर सिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आगे पीछे कहीं भी कोई खतरा नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं, और आगे भी कोई ऐसी चिंता की सर, 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 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो जिनके साथ ऐसा हादसा हो सकता है उसके लिए क्या इंतजाम है? देखिए, आग है, बिल्डिंग ऐसी है जैसे आप आगे पीछे देख रहे हैं पूरा, और कोई बहुत घनी बस्ती भी नहीं है, बड़ा चौड़ा रोड है। आग लगी अर्ली मॉर्निंग, आग लगी उसके बाद लोगों को बाहर रेस्क्यू किया गया, उस जैसे टीम घुसी अंदर उसके बाद बिल्डिंग कोलैप्स कर दी गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई ये अभी तक रिपोर्टेडली, देखना पड़ेगा कि क्या बिल्डिंग अनसेफ थी। लोग यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये दर्दनाक हादसा होता है। ये लोग अपने घर में मौजूद होते हैं, इनकी पत्नी के साथ ये मौजूद होते हैं, और अचानक धुआं आता है, ये उनको सूचित करते हैं कि धुआं निकल रहा है, उसके बाद फायर ब्रिगेड को बताया जाता है, जानकारी दी जाती है, यहाँ पर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुँचती है, उसके बाद का मंजर आपके सामने। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।